हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है मैथ्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं MS सेट के बारे में पूरी जानकारी कि वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें, सब कंप्लीट डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं मैम, है ना? हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो जैसे मैम ने आपको बताया MS सेट है ना, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, पहले तो यही पता होना चाहिए MS सेट है क्या, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है, ठीक है भाई। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो MS सेट यहाँ पर 2023 के लिए जितनी भी जानकारी है, जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस सेशन में मैं और मैम मिलकर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दी इम्पॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है बच्चों आप लोगों के पास, कि भाई कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 10th of November, और लास्ट डेट बच्चों, अगर यहाँ पर आपको कुछ ध्यान रखना है तो दैट इज, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट है बच्चों वो क्या रहने वाली है, 30th of November, ठीक है। 30th of November आपकी लास्ट डेट है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, कि 30th of November आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। पेमेंट के लिए भी लास्ट डेट वही रहने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पर लेट फी के साथ आप यहाँ पर December 1 तक ये सबमिट कर सकते हो। और लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विद लेट फी 500 आप 7th of December तक यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि भाई 30th of November तक आप इस फॉर्म को सबमिट करा दें, ठीक है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर रहने वाली है वो क्या है, कि आपके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल कब तक होंगे। तो एडमिट कार्ड्स बच्चों यहाँ पे 16th of March, ठीक है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26th of March। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड कर दी गई है, कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो बच्चों तो डेफिनेटली जाइए और अप्लाई करिए, ठीक है। मैम एक बार इन्हें करेक्शन विंडो का भी बता दें। हाँ जी, ओके। करेक्शन विंडो यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो है आपकी 8th of December 2022, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन विंडो आपकी करेक्शन 10th है ना, 8th to 10th, यस, ठीक है। 8th to 10th रहने वाले हैं आपका करेक्शन विंडो ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या बच्चों, एक तो यही कि आपकी लास्ट डेट विदाउट लेट फी आपकी रहने वाली है 30th of November, आपका एग्जाम होने वाला है 26th of March 2023। ये थी आपकी सभी इम्पोर्टेंट डेट्स। और बच्चों अभी मैम आपको बताने वाले हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। यस मैम, ओके मैम, वेट स्किन। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कभी कभी होता है ना, मार्कर नहीं चलता है, तो ऐसे स्टाइलस भी कभी कभी नहीं चलता है ना मैम। तो हाँ जी, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है कि आपको मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो वो आप एप्लीकेबल नहीं हो, अगर आप मास्टर्स में हो तो एप्लीकेबल हो। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हो मास्टर्स के तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप अपीयर्ड हो फाइनल ईयर में हो तब तो हो ही, अगर साथ ही साथ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये तो रही 2 साल की बात, जिसकी इंटीग्रेटेड MSc है, लाइक उनकी अगर 4th ईयर्स की है तो जो 3rd ईयर में है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो फाइनल ईयर्स डेट इज़ 4th ईयर में है जो, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो रही भाई कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ आता है कि SC ST मतलब रिजर्वेशन टाइप क्या चीज़ें हैं। तो जो महाराष्ट्र और गोवा के बच्चे हैं और जो SC ST OBC इन सब के अलावा जो है उनके लिए कितना होना चाहिए मास्टर्स में, 55%। इनफैक्ट ये आपका महाराष्ट्र और गोवा के लिए नहीं, ये ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए है, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए मास्टर्स में।
या फिर रिजर्वेशन है डेट इज ओबीसी है, ओबीसी में क्या होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर है, एससी एसटी है, तो आप उसके लिए आपको होना चाहिए एटलीस्ट 50% मास्टर्स में, ठीक है। ये तो रही बात आपके मास्टर्स में कितने मास आपके सीजीपी रहना चाहिए, कितना परसेंटेज रहना चाहिए, इसके बाद बात करते हैं। ये तो बात हमने कर दी कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर वाले नहीं है भाई, थर्ड ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले। और एज सच क्या है कि इसमें रिजर्वेशन की जो चीज़ें हैं वो महाराष्ट्र और गोवा के बच्चों के लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चे एससी एसटी से अदर स्टेट से अदर देन महाराष्ट्र एंड गोवा, तो वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, उसे जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लियर है, रिजर्वेशन केवल महाराष्ट्र एंड गोवा के बच्चों के लिए, लेकिन जो मार्क्स है वो ओवरऑल सबके लिए है। एस सी एस टी है तो एटलीस्ट 50%, अदर देन एस सी एस टी ओ बी सी डेट इज रिजर्वेशन के अलावा जो है अनरिजर्व, उनके लिए एटलीस्ट 55% है। तो मैम आगे आप बताओ। यस, तो बच्चों यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि रिजर्वेशन वाला जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाला है, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट से स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्ज़ाम को अगर फिल करते हैं तो उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको जनरल कैटेगरी में ही अपना जो है एग्ज़ाम फिल करना है, ठीक है। आपकी कैटेगरी बता दो, आप जनरल में ही फिल कर सकते हो। एक और चीज़ बता दी, क्योंकि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है कि इन्होंने मान लो कुछ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स निकाल रखे कि इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप मैथ्स स्टैट्स में हो, आपके लिए नहीं मिल रहा है कि यार स्टैट्स का नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप और मैथमेटिक्स वाले, डेट इज स्टैट्स और मैथमेटिक्स आता है मैथमेटिकल साइंस के अंदर, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप उसके अंडर जो रिलेवेंट जो इक्विवेलेंट कैटेगरी है, जो उसकी डोमेन है, उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका सब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं, आप जिस रिलेवेंट या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में हो उसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 27 इन्होंने कैटेगरीज दे रखी है मैम ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टैट्स वाले और मैथ्स वाले दोनों मैथमेटिकल साइंसेज में ही फिल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि कॉमर्स के अंदर एमकॉम है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। अब देखो लाइफ साइंसेज के अंदर कितनी सारी कैटेगरीज हैं, एमएससी लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सो बेसिकली सब कुछ लाइफ साइंस के अंदर फिल कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप स्टैट्स को टारगेट कर रहे हैं या फिर मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं, प्योर मैथ्स को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मैथमेटिकल साइंसेज की कैटेगरी को ही सेलेक्ट करेंगे, राइट मैम? यस यस। ओके जी, चलिए तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आप इस एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बस यही है बताने के लिए कि आपको ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आपको ये क्या करना है, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी सारी की सारी डिटेल्स आपको वहीं पर पता लग जाती है, यार इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो इसमें भी ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसे के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो बच्चों यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर देना है, ठीक है। और लास्ट डेट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई ही थी, दैट इज 30th of November विदाउट एनी लेट फी, ठीक है। विदाउट एनी लेट फी आप 30th of November तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, राइट मैम? यस मैम। चलिए मैम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए ना, तो भाई हम मैथ्स एकेडमी वाले हैं तो हम तो डेफिनेटली मैथ्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि मैथ्स में भी मैथमेटिकल साइंस को हम लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो पहले तो ये बता दूं कि पेपर कैसा होता है इसका। पेपर दो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, डेट इज पेपर वन पेपर टू, और वो दोनों पेपर एक दिन ही होने हैं आपके, ठीक है। एक दिन ही होने हैं विदाउट एनी ब्रेक बच्चों, तो बस हाफ एन आवर का मैम थोड़ा सा गैप मिलता है बच्चों को, ठीक है। वो भी आप बाहर नहीं जा सकते, वही एग्जामिनेशन सेंटर में ही रहना। हाँ, तो वो एक ही दिन में आपके दोनों एग्जाम्स होंगे। जो आपका फर्स्ट एग्जाम है वो जीएस का एग्जाम रहने वाला है, उसमें एप्टीट्यूड एग्जैक्टली जनरल थिंकिंग वगैरह, क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, ये सारी चीजें। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका वहाँ पे चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें, जीएस बेसिकली जनरल जो पेपर रहेगा, ठीक है, जनरल सब्जेक्ट्स वाला जो एग्जाम रहेगा वो वहां पर जो है आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और पेपर टू के लिए जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, वो नॉलेज आपकी पेपर टू के थ्रू चेक की जाती है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम बात करने वाले हैं इन पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स के लिए, राइट, ठीक है। ओके मैम, यस मैम। तो देखो पेपर टू में आपका क्या क्या है, इसमें चार यूनिट है,
डेट इज सेक्शन 2 है आपका। तो पहले तो हम बात करते हैं यूनिट 1 में कि क्या क्या आता है। यूनिट 1 में एनालिसिस आता है, और एनालिसिस तो मैम हम ग्रेजुएशन से करते आ रहे हैं, तो इतना टफ नहीं है। पेपर बहुत इजी आता है। एनालिसिस में क्या आता है, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी, फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी, लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, मतलब जो बेसिकली नेट में है ना वही सारी चीजें आती हैं। तो ये तो मतलब ये हो गया ना कि मैम ये तो हर एग्जाम के लिए ही आप पढ़ते ही हो, ठीक है, जैन के बच्चे हो, नेट के बच्चे हो, अगर आप नेट के एस्पिरेंट हो तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी है, बिकॉज सारा सिलेबस ही उसमें आता है। एक्स्ट्रा में केवल पेपर 1 है, तो पेपर 1 पे काम करना है, राइट। और मैम इसके लिए ना ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है कि आपका नेट और गेट क्वालिफाई है। एग्जैक्टली, और इसके लिए कोई अपर एज भी नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अगर आप नेट गेट एस्पायरेंट है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्या है इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। यस विद, और उसके बाद आता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की भी सेम कंडीशन, जो जो नेट में है, जो जो सारी चीजें हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और ये सारी चीजें जो कि नेट जैम में नहीं आती है बट नेट में आता है, तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, या इनर प्रोडक्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। उसके बाद आता है आपका यूनिट 2। उसके बाद आता है आपका यूनिट 2। मैम आप थोड़ा स्लाइड करो, मैं इनको बताते रहती हूँ, ठीक है। वेट अ सेकंड, ये रहा। हाँ जी, तो यूनिट 2, यूनिट टी में क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सेम नेट वाला ही है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन, ये सारी चीज़ें, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, कन्फर्मेबल मैपिंग और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सारा कुछ वही नेट का है। इसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा ये तो हम ग्रेजुएशन से करते आ रहे हैं, हमारी स्टार्ट ही होती है बीएससी की, आई गेस मैम सेम 2 से स्टार्ट हो जाती है या सेम 3 से, है ना। उसके उसमें क्या है एलजेब्रा में, आपके ग्रुप थियरी, बेसिकली ग्रुप थियरी, रिंग थियरी की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आपके डीएन ग्रुप, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आता है आपका टोपोलॉजी। तो कोई बात नहीं, अगर टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आती है तो करो, नहीं आती तो कोई बात नहीं। वैसे मैम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो 100% तो पढ़ना नहीं होता, कोई छोड़ भी रहे हो तो कोई मैटर नहीं होता, बाकी डोमेन पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। टोपोलॉजी भी आप मास्टर्स में पढ़ते ही है, exactly. और बहुत मेन सब्जेक्ट रहते हैं, है ना। तो और टोपोलॉजी तो ऐसा है कि नेट, गेट, इसमें हर जगह यूज होने वाला सब्जेक्ट है, और पीडी में भी exactly. उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल, सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप बच्चों नेट गेट के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है ना, exactly. बहुत अच्छा चांस है। और डेफिनेटली अगर आप स्टैट्स वाले हो, स्टैट्स वालों के लिए ये सारा कुछ है यूनिट 4 में, राइट राइट राइट। तो मैम एक बार इन बच्चों को बता देती हूँ कि अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर यूनिट 1 दोनों के लिए कंपलसरी है, आइदर मैथ्स और स्टैट्स, ठीक है। तो आपको यूनिट 1 तो अटेम्प्ट करनी ही करनी है, यूनिट 1 के क्वेश्चन करना है, वो मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, वो कंपलसरी है। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उनको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, हाँ, तो आंसर एडिशनल क्वेश्चन वो यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों से करने होंगे, ठीक है। और जो स्टैट्स वाले स्टूडेंट रहने वाले हैं वो यूनिट 4 से करेंगे। सो मैथ्स वाले स्टूडेंट की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो यूनिट 1 राइट, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 1 कंपलसरी है, बाकी एडिशनल क्वेश्चंस आप यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से करेंगे। और अगर आप स्टैट्स के स्टूडेंट हैं तो यूनिट 1 और यूनिट 4 से आपको क्वेश्चंस यहां पर अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है आप लोगों के लिए ना, ठीक है। तो ये था ये सेम पैटर्न बाकी बच्चों के लिए, जैसे कि लाइफ साइंस वाले, मतलब जो भी ब्रांचेज है सब में ऐसा ही है रूल्स। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ठीक है। अब आपका सिलेबस की बात हो गई है, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम, यस बिल्कुल, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है आपका ये, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये, एग्जैक्टली, ठीक है। तो दो सेशंस में आपका ये पेपर रहने वाला है, और आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, जो आपका फर्स्ट एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चंस है, ऑल ऑफ विच आर कंपलसरी, 100 मार्क्स, ठीक है, ईच ऑफ 2 मार्क्स ना, और 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। जो आपका जनरल जो एग्जाम है उसके लिए आपको यहाँ पर 1 आवर सेशन है, हाँ, 1 आवर का टाइम मिलने वाला है, 10 AM to 11 AM। और जो आपका सेकंड एग्जाम है, अभी मैम थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे आप लोगों को कि सेकंड एग्जाम के लिए ऐसा आपको बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं दिया जाता है, तो आपका 11 बजे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम खत्म होगा, और सेकेंड जो है
वो स्टार्ट हो जाएगा एट 11:30 और ये वाला एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2 आवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर वन शैल बी ऑफ जनरल नेचर इंटेंडेड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। इट इज प्राइमरीली डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, ध्यान देना, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रेहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। पेपर वन शैल कंसिस्ट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपल्सरी क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस पर जो आपके क्या रहने वाले हैं यहाँ पर कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो बच्चों आपका बेसिकली यहाँ पर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड असेस करने के लिए आपका जो फर्स्ट पेपर है वो रखा गया है, ठीक है। ये गलती से भी नहीं करनी है कि आप स्टेट्स के हो तो मैथ्स का अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है कि वैसा करने पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपकी शीट जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए नहीं, आप जिस डोमेन के हो उस डोमेन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, स्टैट्स सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 या फिर यूनिट 1 एंड यूनिट 4, और अगर मैथ्स के हो तो यूनिट 1, 2, 3, क्लियर। राइट। और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका ये जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन मोड के लिए, बिकॉज यहाँ पे OMR शीट के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस गिवन है क्या क्या, कि एक तो कैंडिडेट विल हैव टू मार्क द रिस्पॉन्स फॉर क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑन दी ऑप्टिकल मार्क रीडर, दैट मीन्स OMR शीट पे आपको यहाँ पर अपनी जो है आंसर्स जो रिस्पॉन्सेज है वो वहाँ पर मार्क करने हैं अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव टेस्ट बुकलेट, ठीक है। सो बेसिकली ये रहने वाला है आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। और ये नहीं कह रहा है मतलब उसको फिलिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि बाद में उसका आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, राइट। और बच्चों एक और चीज दोबारा हाईलाइट कर दी जाए, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो MH सेट का पेपर होता है बच्चों, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है दैट इट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ UGC नेट, UGC CSIR नेट विच हैव बीन अपडेटेड एंड अपलोडेड ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। वैसे तो हम लोगों ने आपके साथ ही जो है वो डिस्कस कर लिया और अभी मैम ने भी आपको बताया था, मैं भी आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आप गेट नेट की तैयारी कर रहे हैं, करी है पहले, तो ये एग्जाम तो बहुत डेफिनेटली अच्छा। आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है आपके और देखो पास मे भी ये सब्जेक्ट में सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग हो सकती है, तो इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। एग्जैक्टली अगर बाय चांस आगे, क्योंकि इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि ये CSIR नेट का पैटर्न और गेट का पैटर्न होने वाला है ना, UGC नेट और CSIR नेट का, तो मे भी वहां अगर चेंजेस होती है तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इधर भी होगी, तो इसके अपडेशन के लिए आप इसको विजिट कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट। डेफिनेटली, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली क्या था आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 100 एंड 200, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, हमने बेसिकली जितनी भी जानकारी आप लोगों के लिए नीडेड है, रिक्वायर्ड है, जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ आपके साथ इसी एक ही वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन। बच्चे परेशान रहते हैं कि कितने पेपर मतलब पेपर में फर्स्ट पेपर में क्या आता है, सेकेंड में क्या आता है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी है। तो आई होप आपको अब कोई डाउट नहीं होने वाला है, और करना क्या है भी तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, वहां से हम आपके कमेंट को देख लेंगे वहां के डाउट्स, ठीक है। और इसी बात पे सेशन हो जाना चाहिए अब लाइक और साथ ही साथ शेयर। चलिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय।